मतलब इससे ज्यादा खतरनाक चैलेंज हो ही नहीं सकता, मतलब जानबूझ के आपने मुझे इतना हार्ड चैलेंज दिया। तो तभी तो मैंने कहा ना कि चैलेंज ही डिफिकल्ट होने वाला है, तभी तो मजा आएगा ना। देखो इजी पीजी चैलेंज देके मतलब क्या है, एक हार्ड चैलेंज मिलता है कंप्लीट करने का, मजा तभी आता है ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ओ भाई पीछे से किसने मारा भाई तेरे को, चुम्मा तेरे को चुम्मा, रुक तेरे को दिखाता हूँ भाई साहब, मेरा आग जल रहा था अभी तक। भाई 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 इसको इसको देखा ही नहीं भाई, इसने देखा ही नहीं मुझे, इसको इधर से जाते हैं, इसने देखा ही नहीं मुझे। नल्ले रुक रुक रुक, भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा हार्ट बीट का आवाज सुनो गाइस, आप लोग मेरा हार्ट बीट का आवाज सुनो, मैं माइक दे रहा हूँ भाई, धक 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 हो रहा है। क्या क्या बोला तूने? वो भी गाइस बिना गन के और साथ में बुइया भी। ओ भाई सब सामने बंदा है, बंदा है गाइस, अभी दिल का धड़कन अच्छा बंदा लगता है मुझे। पत्थर के पीछे छुपता है नल्ले, तू बस जाएगा क्या सोच रहा है? नहीं 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 बचेगा तू, रुक तेरे को। अरे भाई अच्छा बंदा है, अरे अरे भाई, और दो किल उसके बाद इतिहास रचा जाएगा। होने वाला है ना तो भाई, आवाज आ रहा है, फाइट चल रहा है, फाइट चल रहा है, ना ले रुक, अभी फाइट लेंगे गाइस हम भी। ए भाई मार दिया यार, मार दिया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई मिस्टेक हो गया, इधर से Hey guys, welcome back to my another videos. तो मेरे मामू लोग, मैं पहले ही बताता हूँ कि भाई आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। अच्छा? क्योंकि गाइज मैं ऐसे ही रैंडम प्रैक्टिस कर रहा था ट्रेनिंग ग्राउंड में, और गाइज अचानक से देखा कि गेमिंग विद लैला यानी कि लैला दीदी मुझे बार बार बुला रही है। अच्छा? तो गाइज मैं गया लैला दीदी के ग्रुप में, और मेरा रिकॉर्डिंग ऑन भी नहीं था क्योंकि मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, और जाने के बाद लैला दीदी ने मुझे एक ऐसा इतना खतरनाक चैलेंज दिया जिसे सुन के लिटरली मेरा फट गया गाइस, और आप लोग सुनोगे तो आप लोग का भी फट के हाथ में आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो गाइस क्या चैलेंज दिया वो आप लोग खुद देखो, लेकिन हाँ गाइस आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो वीडियो क्लिप है ये मुझे लैला दीदी ने दिया, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ था, और लैला दीदी तो भाई पीसी में खेलती है तो उसका रिकॉर्डिंग हर वक्त ऑन ही रहता है। ठीक है समझ गया। तो गाइस क्या चैलेंज दिया आप लोग खुद देखो। ओके सो गाइस, यार मैंने सुना है कि यार आजकल राहुल गेमिंग ना बहुत सारे लोगों के ना चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे, तो मैंने सोचा यार कि चलो ठीक है आज हम भी राहुल को बुलाते हैं और उनको देते हैं एक अजीबोगरीब सा चैलेंज और देखते हैं कि क्या वो कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या क्या, पहले बुला लेती हूँ यार, मैं अकेले में खुद से पहले चैलेंज बताने वाली नहीं हूँ, उनके सामने ही बताती हूँ ताकि तुमको भी तो मालूम चलेगा ना हाँ एक्चुअल चैलेंज है कि नहीं, कैसा है। ठीक है समझ गया। तो चलो बुलाते हैं हम राहुल को। आ जाओ यार, इतनी बेइज्जती मत करा मेरी, शीश ये तो आ ही नहीं रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। ओके हेलो राहुल। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। ओह यार हेलो लैला दी, कैसे हैं बा? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे बताओ? मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, एकदम चकाचक, धोती फाड़ के रुमाल। अरे रे 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 रे, मैंने वैसे सुना है आजकल बहुत तारीफ आपकी कि जिसको देखो जो भी आपको चैलेंज दे रहा है सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए जा रहे हो आप, ऐसा? हाँ अरे नहीं नहीं, मैं तो ज्यादातर नूब प्रैंक करते हैं आपको तो पता है, लेकिन बीच बीच में अगर मेरा सब्सक्राइबर या फिर बीच बीच में एक दो यूट्यूबर या फिर खूबसूरत आप जैसी लड़की अगर दे देता है चैलेंज तो कर लेते हैं। हाँ तो देखो अगर तुमने मुझे खूबसूरत बोल ही दिया, वैसे तो मैं हूँ ठीक है। अच्छा तो मैं तुमको ना आज एक चैलेंज देने वाली हूँ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है? तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? आप चैलेंज दे रहे हो? यस। कैसा यार, सब ज्यादा हार्ड मत देना। नहीं नहीं, मैं तो हार्ड ही देने वाली हूँ यार, देखो नॉर्मल चैलेंज करके मजा नहीं आता ना, हार्ड चैलेंजेस देने में तो मजा आता है। मगर क्यों लगता है कि मेरा पिछवाड़ा गरम कर देगा इस चैलेंज में? लेट्स सी ना, देखते हैं, वो तो अभी तुमको सुनने के बाद पता चलेगा कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? अच्छा एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ठीक है ना, करना पड़ेगा, देखो ठीक है तभी बताऊंगी मैं। ये भगवान क्या जुलूम है, चैलेंज 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 आई डोंट लाइक। अच्छा यू हैव टू लाइक इट। अच्छा चलो चलो, मेरा चैलेंज मैं बता रही हूँ। चैलेंज मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि आपको जाना है रैंक मैच में, ठीक है? अच्छा। और वहाँ पे आपको एटलीस्ट करने 8 किल्स सिर्फ इतना ही विदाउट गन्स। मजाक है क्या? अब आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है?
एंड इसके साथ में एक और ट्विस्ट है, पता है क्या? नहीं क्या? सिर्फ किल ही नहीं करने, बुइया भी करना है वो मैच आपको। हम करते हैं यार, ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं जा, मतलब इससे ज्यादा खतरनाक चैलेंज हो ही नहीं सकता। मतलब जानबूझ के आपने मुझे इतना हार्ड चैलेंज दिया। तो तभी तो मैंने कहा ना कि चैलेंज ही डिफिकल्ट होने वाला है। मतलब बिना गन के कैसे मारना है? अभी तो रैंक भी स्टार्ट हो चुका है, इतना हार्ड रैंक में मैं मारेगा इतना? चलो कोई बात नहीं, तभी तो मजा आएगा ना। देखो इजी पीजी चैलेंज देके मतलब क्या है, एक हार्ड चैलेंज मिलता है कंप्लीट करने का, मजा तभी आता है ना। एकदम एकदम ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके नाम, चैलेंज आपने जब दिया तो कंप्लीट करके भी दिखाएंगे। चलो ठीक है, डन। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, तो उससे मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है? मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना। ठीक है, चैलेंज अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो मेरे मामू लोग बोलेगा कि क्या लेना चाहिए लैला दीदी के पास से। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताना। ओके डन डन, मैंने कंप्लीट कर दिया तो डन। तो चलो ठीक है, देखते ओके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि कितना खतरनाक चैलेंज दिया है लैला दीदी ने। नहीं, देखा पूरा देखा। तो चलो गाइस अभी हम चलते हैं और देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं लैला दीदी का चैलेंज। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा बंदा आया है। ओ भाई सब अच्छे अच्छे बंदे आए हैं, क्योंकि अभी रैंक स्टार्ट हो चुका है ना, तो सब पुश कर रहा है। और कपड़े से तो बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे जो पुशर्स होते हैं वो लोग भाई कपड़ा ही नूब पहनता है। हम लोग भी पहले करते थे भाई, जब ग्रैंड मास्टर पुश करते थे नूब कपड़ा पहन के जाते थे और मारते थे भाई बहुत। ऐसा ही सीन है यहाँ पे भी लगता है मुझे कुछ। तो चलो गाइस यहाँ पे देख के कोई फायदा नहीं। तो गाइस अभी अंतिम परीक्षा देने की बारी आ चुका है और लैला दीदी ने जानबूझकर इतना खतरनाक चैलेंज दिया है। लिटरली बताता हूँ, अनएक्सपेक्टेड भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कितना खतरनाक चैलेंज देगा भाई। विदाउट गन लेके कैसे मारूं, मेरे को तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। लेकिन 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 गाइस हमको जब चैलेंज दिया है तो भाई कंप्लीट करके भी दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मामू कभी चैलेंज हारता नहीं है। बात तो सही है। तो चलो गाइस फटाफट से इधर ही उधर जाते हैं। भाई स्कैनर भी नहीं है। ओ भाई नीचे बंदा बंदा बंदा। नहीं 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 नहीं, नहीं भाई साहब इसको, इसको इसको इसके पीछे जाके इसको मुक्के से ही मारना पड़ेगा गाइस, क्योंकि गन नहीं है और किल भी करना है भाई साहब 8 से ज्यादा। अभी नल्ले भाई, उसको पता ही नहीं चला कि मैं पीछे से आके उसका खोपड़ी तोड़ दूंगा भाई साहब। लिटरली बताता हूँ, अब बिना गन के खेलना काफी मुश्किल है, इतना मुश्किल भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो कोई बात नहीं गाइस, लेकिन चैलेंज पूरा करने की पूरा ट्राई करेंगे और देखते हैं। इधर से जल्दी से निकल जाते हैं, थोड़ा सा वॉल फॉल मिल जाए तो सामने बंदा, सामने बंदा नल्ले। नहीं 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 नहीं, ओ भाई भाई लिटरली बताता हूँ, फट के हाथ में आ गया था मेरा। सोशल मीडिया पे गंदी बात नहीं करने का। क्या फट के आ गया था भी बताऊंगा नहीं। नहीं बता, बताना बताना, क्योंकि सोशल मीडिया पे गंदी बातें नहीं करनी का। तो गाइस यहाँ पे भाई क्या ही मुक्के से लगा मारना पड़ेगा। तो चलो गाइस यहाँ सब जल्दी से निकल जाते हैं भाई, मेरा दिल का धड़कन बहुत जोरों से तेज हो रहा है। और बंदा है क्या आसपास, देख लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं भाई साहब। तो करना, आप उनको नहीं लगता है कि और बंदा इधर गाइस, क्योंकि पतली गली से भाई बंदे का आवाज आया, बॉम्ब का आवाज आया, मेरे कानों तक बॉम्ब का आवाज आया। नल्ले कहाँ पे छुप के बैठा है थे? रुको गाइस यहाँ पे बैग ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बैग चाहिए। और अभी फटक से वेस्ट को अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि गोली भी लगेगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं, कहाँ पे बंदे हैं सुन के बता सकते हैं हम कहाँ। अच्छा। पे है लेफ्ट घर में। ओ भाई साहब राइट पे है, राइट पे है। अभी ए भाई कूदा ऊपर से नल्ले। भाई अनएक्सपेक्टेड, भाई अनएक्सपेक्टेड, लिटरली ऊपर से कूदा और उसको भाई मौका ही नहीं मिला गोली चलाने का, खोपड़ी तोड़ दिया उसका भाई। लिटरली मजा आ गया। सामने भी बंदा है गाइस, सामने भी बंदा है, आज किसी को भी नहीं छोड़ेगा तुम्हारा मामू। अच्छा कहाँ पे है बंदा? भाई सब डर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई नहीं 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 नहीं, सामने सामने देख लिया उसने, देख लिया। अभी इसका गेम बजाना पड़ेगा, क्या करूँ? अरे 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 भाई रुक जा भाई, सब इसको अभी दिखाते हैं, रुक रुक नल्ले। अरे भाई 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 साहब क्या ही इसके पास गाने। अरे भाई इसका लोग मर रहे हैं, नल्ले शर्म नहीं आता तेरे को? रुक इसको दिखाता हूँ औकात। ओ भाई पीछे से किसने मारा भाई तेरे को? चुम्मा तेरे को, चुम्मा। रुक तेरे को दिखाता हूँ भाई साहब, मेरा आग जल रहा था अभी तक।
भाई 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 इसको इसको देखा ही नहीं भाई, इसने देखा ही नहीं मुझे, इसको इधर से जाते हैं, इसने देखा ही नहीं मुझे। नल्ले रुक रुक रुक, भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा हार्ट बीट का आवाज सुनो गाइस, आप लोग मेरा हार्ट बीट का आवाज सुनो, मैं माइक दे रहा हूँ भाई, धक 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 हो रहा है। क्या बोला तूने? सच में गाइस मेरा हवा निकल गया था, सच बताऊं तो छोड़ो गाइस सब बातें, अभी चलते और आराम से गाइस, तो 8 किल से ज्यादा किल करना पड़ेगा, तो थोड़ा संभाल के खेलेंगे, तो निकल जाते हैं गाइस यहां से फटाफट से। A few moments later. दिल दी बना टुक 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 दिल से जिना की टुक 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 ऊपर से गिर रहा है गाइस, मानी ना टूरू रू अभी यहां पे लूट लेते हैं गाइस थोड़ा सा। बिनिसा जीना की क्या ही गाना गाता हूँ मैं, मुझे लगता है कि मुझे इंडियन आइडल जाना चाहिए, क्या बोलते हो मामू लोग? आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते हैं। तो गाइस ओ भाई साहब गाड़ी लेके आ रहा है, ना ले लो, गाना भी नहीं गाने देगा क्या मेरे को? रुक तेरे को बताता हूँ। ओ भाई साहब उतरा उतरा, मेरे को देखा नहीं ना। क्या ही बोलू गाइस, देखा ही नहीं नल्ले, उधर से आया और लूट रहा है आराम से, और चड्डी फाड़ दिया उसका गाइस, धोती फाड़ की रू मां भाई, सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फट रहा है मेरा, लेकिन मैं फिर भी बहुत जोश में हूँ, क्योंकि 5 किल हो चुका है और गाइस 3 किल करना पड़ेगा, सिर्फ 3 किल से ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 3 किल करना ही पड़ेगा, वो भी गाइस बिना गन के और साथ में बुइया भी। ओ भाई सब सामने बंदा है गाइस, अभी दिल का धड़कन अच्छा बंदा लगता है मुझे, पत्थर के पीछे छुपता है नल्ले, तू बस जाएगा क्या सोच रहा है? नहीं 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 बचेगा तू, रुक तेरे को। अरे भाई अच्छा बंदा है, अरे अरे बाबा भाई भाई, एक मिनट के लिए मेरा बोलती बंद और सांस अटक गया था, अरे भाई साहब एक मिनट के लिए मेरा सांस अटक गया था, सच बोल रहा हूँ गाइस, इतना अच्छा मैच जा रहा है और अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो अफसोस का अफसोस नहीं जाता भाई साहब, अरे दादा रे भाई, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ भाई साहब, अभी भी दिल का धड़कन इतना जोरों से कांप रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और 2 किल और 2 किल और 2 किल उसके बाद इतिहास रचा जाएगा। जा भोसड़ी के, तू पागल है क्या? ओ भाई नल्ले खड़ा होके तू क्या कर भाई, ये मरा क्यों नहीं, ये मरा क्यों नल्ले, हिल कर रहा है तू, तो हिलाता हूँ, गया गया भाई, गाड़ी से उड़ा दिया मैंने, नल्ले कहेगा हिल करेगा, हिलाते बिट्टे। और गाइस 1 किल उसके बाद मेरा नाम इतिहास में रच दिया जाएगा, गिनीज ऑल बुक, क्या बोलता है उसको, गिनीज ऑल रिकॉर्ड में, हाँ गाइस भूल जाता हूँ कभी कभी, तो गाइस गिनीज ऑल रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया जाएगा 1 किल के बाद अगर मैं बुइया कर पाऊँ तो गाइस अभी देखते हैं, अभी चलते हैं ऊपर की साइड, रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेंगे गाइस, गाड़ी से ही उड़ा देंगे, क्योंकि भाई अभी जोन छोटा होने वाला है ना, तो भाई आवाज आ रहा है, फाइट चल रहा है ना, ले रुक अभी फाइट लेंगे गाइस हम भी, ए भाई मार दिया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे भाई मिस्टेक हो गया, इधर से घूम के जाना पड़ेगा भाई, अरे दादा रे ये मार, अरे भाई अरे दादा रे ये पूरो प्लेयर है भाई, एक वक्त के लिए लगा मैं मर ही गया भाई साहब, लिटरली बताता हूँ मेरा दिल का धड़कन कितना तेज हो गया था, मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता भाई, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊंगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई साहब, अभी भाई ऐसा नूब नूब कपड़ा पहन के भाई रैंक पुश करते हैं अच्छे बंदे भाई, लिटरली बताता हूँ 8 किल भी हो गया है गाइस, 8 किल भी हो गया है, अभी जीसी भी करके अच्छे से खेल के बुइया निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना अच्छा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, अभी मैं भाई गाड़ी से उड़ा दूंगा, सच बताऊँ कोई भी नल्ले मेरे सामने मत आना। अबे कौन है तू प्रधानमंत्री? ये बंदे दिख क्यों नहीं रहा है भाई, बहुत देर से बंदे खोज रहा हूँ, अरे भाई गाड़ी से तो उतरूंगा ही नहीं, भाई साला बच गया यार गाइस, ए भाई सब गाली दे दिया सॉरी गाइस, भाई इसके ऊपर भी बंदे भाई, मैं गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं, मैं एकदम रिक्स नहीं लूंगा भाई, सच बता रहा हूँ, मैं एक को मार दिया और 3 ही बंदा बचा है, सामने से जा रहा है, बाय टाटा गुड बाय गया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर भाई, सब गाड़ी से उड़ा दिया उसको भाई, सच बता रहा हूँ इस गेम में मजा आ गया मेरे को सीरियसली, और गाइस एक ही बंदा बचा है सिर्फ गाइस, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में मैं गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं गाइस,
क्योंकि उसके पास सब तरीके का लूट होगा। लास्ट बंदा बचा, इसको गाड़ी से उड़ाऊंगा अभी अभी, इसको गाड़ी से उतार। नल्ले बच गया भाई साहब, मैं गाड़ी से उतरूंगा ही नहीं क्योंकि रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने का। उसके पास सब तरीके का शॉर्ट रेंज का गन भी है भाई, इस बार अगर किल कर दिया तो गिनीज और रिकॉर्ड भी मेरे नाम साबित हो जाए। इसको मारता हूँ गाड़ी से उड़ा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? निकल, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देखो डर, नल्ले को डर नहीं लगता क्या भाई? गाड़ी के सामने से कूद रहा है। रुक तेरे को बताता हूँ, रुक तेरे को बताता तेरी। नल्ले तू मेरे सामने दादागिरी दिखा रहा है, तू मेरे गाड़ी के सामने नागिन डांस कर रहा है बार बार। रुक तेरे को इस बार छोड़ूंगा नहीं, इस बार तेरे ऊपर से रुक। अभी गया टाटा बाय बाय मुंडा नल्ले का ही कर। यस यस, तो मेरे मामू लोग मेरे चैलेंज कंप्लीट कर दिया। बिंदास लैला यानी कि लैला दीदी ने जो चैलेंज दिया था मुझे, तो भाई सब लिटरली बता तो इतना ज्यादा खुशी हो रहा है ना, अंदर से मैं क्या ही बताऊं। सिर्फ इतना ही? तो मेरे मामू लोग, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मैं आप लोगों को हंसा पाता हूँ वीडियो में, चाहे वो प्रैंक हो या फिर इतना खतरनाक चैलेंजिंग वीडियो, मैं हर एक चीज़ में आप लोगों को हंसाने की फुल ट्राई करता हूँ। तो प्लीज़ यार गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे वीडियो को, ताकि गाइज आप लोगों को मैं और भी हंसा पाऊँ आगे। और हाँ, मेरे मामू लोग, लैला दीदी बोली थी अगर मैं चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो मैं जो भी मांगूंगा वो देगी। तो गाइज क्या मांगा जाए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और हाँ गाइज, लैला दीदी के यूट्यूब पे जाके भाई कमेंट सेक्शन पे अपना पावर दिखा दो, बोल दो कि मामू ने आपका चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, आप मामू के वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे दो, और क्या मांग सकते इससे बढ़िया। तो चलो गाइज, अपना पावर दिखा दो, उसके चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन भर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और गाइज नेक्स्ट वीडियो खतरनाक प्रैंक आ रहा है बहुत ही जल्द। तो लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।